चैप्टर 7 डिजिटल सर्विसेज फॉर सिटीजन्स ऑफ राजस्थान। तो आज हम चैप्टर 7 के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानने जा रहे हैं जो RSCIT के एग्जाम में आते रहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, कि राजस्थान संपर्क में कौन कौन से स्टेप्स आ रहे थे उसमें से एक स्टेप ये नहीं है। रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन एंड एलोकेशन, ये तीनों ही चरण राजस्थान संपर्क में आते थे, जबकि एक स्क्रूटिनाइजेशन राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्टिव वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर हमने चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रखे हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, वो है सी, कि स्क्रूटिनाइजेशन एक चरण राजस्थान संपर्क का नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क को कब शुरू किया गया था। तो राजस्थान संपर्क को जून 2014 में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत हम अपनी शिकायतों को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर है जून 2014, ऑप्शन ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण राशि के लिए जो ब्याज दर मानी गई थी, तो वो ब्याज दर कितनी थी, वो थी 4%। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, B2C के संबंध में सही वाक्य कौन सा है, कि B2C कौन कौन सी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के बिल पेमेंट करने के लिए, तो आप बिजनेस से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए B2C का यूज करोगे, हाँ सही बात है। दूसरा ऑप्शन है LIC भुगतान करने के लिए, इसमें भी B2C इन्वॉल्व होता है। अमेजन ऑनलाइन मार्केट, ये तो B2C का प्राइम एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, जिसके तहत अमेजन के ऊपर जो भी बिजनेस होंगे वो कंज्यूमर तक पहुंच पाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, वो है डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या है। तो EPS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम है बिलो पॉवर्टी लाइन, ऑप्शन ए, बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारा अगला क्वेश्चन है, EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है। MSP का पूरा नाम है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, जिसके तहत नियुक्त किया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को इतनी प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा दाम आप इतना ले सकते हो। तो करेक्ट आंसर है MSP के फुल फॉर्म है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का प्रकार है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर कनेक्ट करना हो तो भी ये एक ई गवर्नेंस का प्रकार है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय कनेक्ट करना हो, ये भी एक ई गवर्नेंस का प्रकार है। गवर्नमेंट टू सिटीजन अगर कनेक्ट करना हो तब भी वो एक ई गवर्नेंस के तहत ही आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये तीनों ही ई गवर्नेंस के प्रकार है, G2G, G2E एंड G2C। तो करेक्ट आंसर है डी, ए बी सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है। तो आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है, वो होती है 12, ऑप्शन सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूरा नाम क्या है। FPS का पूरा नाम है फेयर प्राइस शॉप। इन दुकानों को गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर BPL में आने वाले वर्ग वाले नागरिकों को बहुत ही कम दाम में राशन की सुविधा मिलती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि कितनी होती है। वो अवधि होती है 5 साल। 5 साल के अंदर आपको पेमेंट वापस कर देना होता है जो आपने लोन लिया है BRSY के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भामाशाह योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम क्या है। तो DBT का पूरा नाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके तहत भामाशाह योजना को बनाया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य बीमारी के तहत BSBY भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा राशि कितनी होती है, कि आपको जो BSBY
के तहत जो आपको राशि मिलेगी वो कितनी है, वो है 30,000 रुपये। अगर आपने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना करवा रखा है तो आपको 30,000 राशि तक स्वास्थ्य बीमारी के तहत आपको फाइनेंशियल कवर मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर है डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, BRSY के तहत कौन से बैंक ऋण दे सकते हैं कि आप भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत अगर ऋण लेने जाओगे तो कौन कौन से बैंकों में जा सकते हो, नेशनलाइज्ड बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक या उपरोक्त सभी। तो BRSY के तहत आप इन सभी बैंकों में जा सकते हो एज ए लोन अप्लाई करने के लिए। तो भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत कौन कौन से बैंक होंगे, वो होंगे नेशनलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, और हमारा करेक्ट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भामाशाह योजना कब शुरू हुई थी। तो भामाशाह योजना की जो स्टार्टिंग है वो राजस्थान ने साल 2008 में भामाशाह योजना की शुरुआत की थी। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, साल 2008 में भामाशाह योजना की शुरुआत हुई थी। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वो है ई मित्र / CSC पर राशन कार्ड के लिए फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप http://www.emitra.gov.in पर आप जाओगे और वहाँ से राशन कार्ड के लिए आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।